नमस्कार दोस्तों, देखिए लोअर पीसीएस का एग्जाम हुए काफी दिन हो गए, लगभग 3 महीने। तो इधर काफी लोगों से बातचीत चली, लोअर पीसीएस का अलग ग्रुप भी है, काफी लोगों से बात मुलाकात हुई। तो आज विचार आया कि कट ऑफ बना ही लिया जाए और ये कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगा। उससे पहले आप लोगों के लिए विशेष सूचना, ऐसे कोई भी छात्र जिनका यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग में कोई ना कोई भर्ती रुकी हुई है, 6 फरवरी 2020 को विशाल धरना होगा, इसमें आप सब लोगों को आना है जो भी आ सकते हैं। देखिए ये काम नहीं बढ़ेगा तो इसका भी कुछ नहीं बढ़ेगा, प्री करवा के भूल जाएंगे। तो आयोग पे धरना है 6 फरवरी को, आप सब लोगों को आना है जिनके लिए पॉसिबल है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने सर्कल में भी कहिए, लोगों का जिले वाइज ग्रुप भी बन रहा है व्हाट्सएप पे लखनऊ आने के लिए धरने प्रदर्शन के लिए। तो आप लोग आइएगा 6 फरवरी 2020, वीडियो लोअर टू मंडी युवा कल्याण अधिकारी सभी के छात्र आएंगे और अपना धरना देंगे, क्योंकि बिना धरने के यहाँ कुछ नहीं मिलना। अब बात करते हैं लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019। जैसा कि आपको मालूम है लगभग 20,000 लड़के सिलेक्ट किए जाएंगे प्री में, खबर ये भी आ रही है कि 15,000 ही सिलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन नोटिस में 20 था तो हम 20 मान के चलते हैं। तो 20,000 बच्चों के लिए कितना कट ऑफ सेफ होगा, किस कैटेगरी के लिए, इस पे डिस्कस करते हैं। पेपर कैसा था, पेपर मॉडरेट था कि डिफिकल्ट था, ये सब आप लोगों ने समझ लिया होगा, इतने दिन से आप वीडियो देख रहे होंगे। सीधे पॉइंट पे आते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए जनरल की कट ऑफ आपकी 96 to 98 क्वेश्चन बनेगी, इतने क्वेश्चन अगर सही है तो उम्मीद है कि आप प्री में क्वालिफाई होंगे, और जो 100+ है वो 100% क्वालिफाई है मेरी तरफ से, लेकिन इतने क्वेश्चन वाले भी उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो 90 क्वेश्चन के आसपास जिन फीमेल का है, 90 है तो सेवर है, 100% सेलेक्ट हो जाएंगी फीमेल। ओबीसी अब 20,000 है तो कम तो होगा भाई ओबीसी का, अब ओबीसी आपका 93 से 94 क्वेश्चन मुझे लगता है इतना ही जाएगा, 3-4 क्वेश्चन जनरल से कम रहेगा, 20,000 की वैकेंसी बहुत होती है। एससी की बात करें तो एससी आपके 85+ सेफ है, एसटी लगभग 78 से 80 क्वेश्चन वाले बिल्कुल सेफ है। तो जो इस रेंज में है मेंस की तैयारी करते रहिए, सिलेबस वही है, वही जीएस, वही हिंदी। और दूसरी बात, लेखपाल की भर्ती भी शायद आने वाली है, कंफर्म करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप लोगों के लिए नमस्कार, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।